For subtitles, please click here on your screen. शीशे के खबले के रातों में चल रहा हूँ, टकरा ना जाऊँ कहीं। बहुत चर्चा में थी गजनी फिल्म, क्योंकि आमिर सर ने अपनी बॉडी बनाई थी और अपने एक अलग अवतार में वो दिखे थे। तो इस फिल्म के साथ में जुड़ना एक अपने आप में एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। मुस्कुरा जहाँ भी है तू मुस्कुरा। तो ये सारी चीजें ना, मैं उस वक्त ना Tracking milestones of an incredible journey spanning 30 years, Rehman Music Sheets. Memento, an American mystery thriller film directed by Christopher Nolan, inspired Gajani, a 2005 Tamil film by A.R. Murugadas. In 2008, when he remade Gajani in Hindi, it became the highest-grossing Indian film and the first film to net over 100 crore rupees in India. After Jodha Akbar, Jaane Tu Ya Jaane Na, Yuvraj and Slumdog Millionaire, Rehman concluded the year 2008 on a very high note with Gajani. Its music reigned supreme and the song Guzarish became the new anthem for those in love. जावेद जी, इस गाने में एक गुजारिश है प्यार की अपने प्रेमी से, तो इस एक्सप्रेशन को गाने में लाना कितना बड़ा चैलेंज था? चैलेंज तो था, क्योंकि बहुत चर्चा में थी गजनी फिल्म, क्योंकि आमिर सर ने अपनी बॉडी बनाई थी और अपने एक अलग अवतार में वो दिखे थे। तो इस फिल्म के साथ में जुड़ना एक अपने आप में एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। और हुआ ये कहना, जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो प्रसून सर और रहमान सर और आमिर सर सब मौजूद थे, और मुझे 6 से 7 डिफरेंट मुखड़े एक मैंने रिकॉर्ड किए लिरिक्स, फिर उसमें से गुजारिश करके जो मुखड़ा वो फाइनल हुआ। और आमिर सर भी ना इस गाने में मौजूद थे, और उन्होंने डबिंग के वक्त भी उनके काफ़ी इनपुट्स उन्होंने मुझे दिए एक्सप्रेशंस वाइज के, ना क्या होना चाहिए या किस तरह से उसका। तो एक दो वर्ड जैसे मैं शीशे के खबले के रातों में चल रहा हूँ, टकराना जाऊं कहीं। तो टकराना को ना मैं बहुत हार्ड बोल रहा था, टकराना जाऊं कहीं। तो बिकॉज टकराना वैसे ही हार्ड वर्ड है, बहुत ही हेवी वर्ड है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आप इसको थोड़ा सॉफ्टली ही गाइए, टकराना जाऊं कहीं। तो ये सारी चीज़ें इस गाने के दरमियान हुई। एंड ऑफकोर्स ऐसा हो रहा था कि क्या करें क्या ना करें, जावेद को पूरा गाना गवाना चाहिए या नहीं गवाना चाहिए थे? तो ऐसे बातें सारी हो रही थी। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जावेद को गवाना है ये गाना, और ना उसकी वॉइस में डिफरेंट साउंड कर रहा है, अच्छा लग रहा है वॉइस। तो ये गाना ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा गाना था, बहुत बड़ा एंड सोलो गाना था सबसे इम्पोर्टेंट, और उस दरमियान मैं सारे सोलो गाने गा रहा था रहमान साहब के और मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि ये गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने जितना भी अपनी एबिलिटी थी वो इस गाने में डाली, जो भी मैं बेस्ट कर सकता था, और ये गाना बन के बहुत अच्छा हुआ, बहुत पसंद किया गया लोगों में। इस गाने में सोनू निगम जी एक गेस्ट वोकलिस्ट थे, तो ये कैसे हुआ और उनकी आवाज़ से इस पूरे गाने में कैसे निखार आया? उन्होंने बहुत अच्छा गाया है, और हालांकि ये गाना पहले सोनू भाई ने ही गाया हुआ था, सोनू निगम जी ने गाया हुआ था पहले, बट वो क्या पता नहीं अब मैं क्या कहूँ कि ये गाना मेरी किस्मत में था। और क्या होता है, गाने गाने पे लिखा होता है गाने वाले का नाम, हालांकि ये गाना पहले सोनू भाई ने गाया हुआ था पूरा गाना, लिरिक्स अलग थे। तो
तो फिर कुछ लिरिक्स चेंज होने का ऐसा हुआ और फिर मुझे बुलाया गया कि ऐसा रहमान साहब ने, फिर जश्न बहारा गा चुका था मैं गाना, तो उनको वो मेरा टोन बड़ा अच्छा लगा, तो फिर मेरी एंट्री हुई इस गाने को। तो पूरा गाना जब उन्होंने गाया तो अलाप भी उन्होंने गाए हुए थे। अब अलाप इतना उन्होंने बेहतरीन गाया है कि ना रहमान साहब ने सोचा कि अलाप तो वैसा का वैसा ही मैं रख देता हूँ, तो उन्होंने फिर वो अलाप चेंज ही नहीं किया और वैसा का वैसा ही रख दिया। गुजारिश रिकॉर्ड करने से पहले आप शायद मिस्टर रहमान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले थे कॉन्सर्ट के लिए, जो शायद आप जा नहीं पाए, एम आई राइट? हाँ, नहीं अरे बाप रे, आपको कितनी पता है। नहीं मैं आप, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हाँ जश्न बहारा जब गाना गा लिया था तो मुझे मौका मिला रहमान साहब के साथ में US टूर के लिए जाने का, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। ओ माय गॉड, मैं बहुत, और क्या हुआ था, मैं नया नया था तो बहुत बहुत जल्दी कोई भी ना ऐसी कहानी, कोई भी ऐसी चीज़ सुनने को मिल जाती थी तो मैं एक खो जाते हैं हम चीज़ों में ना, तो फिर मैं तो किसी कारण की वजह से फिर मेरा जो नाम था उस लिस्ट से बाहर हो गया और मुझे जाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने पूछा रहमान साहब को, मैंने कहा सर मुझे एक मौका मिल रहा था आपके साथ में शोज़ में जाने का और ये मेरी बदकिस्मती जा नहीं पाए हम लोग। तो रहमान साहब ने मुझे ये कहा कि शुक्र मनाओ कि आप नहीं गए, आप इंशाल्लाह अपने ख़ुद के गाने गाने के लिए आप हमारे कॉन्सर्ट में आओगे, और वो बात सच हुई। और मुझे याद है कि गजनी का गाना भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने उस टाइम पे मेरे घर के लिए कुछ लोन वगैरह लिया था, तो अब लोन मैंने लिया था घर के लिए तो मैं ऑफकोर्स काम भी चाहिए होता है आपको तो मैंने रहमान साहब को ये बात बताई, मैंने कहा रहमान सर मैंने लोन लिया है घर के लिए, क्योंकि काफ़ी मैं गा चुका था रहमान साहब के लिए तो इतनी सारी बातें कर सकते थे। तो रहमान सर ने मुझे कहा कि ये गाना रिलीज़ होगा ना जग गजनी का, उसके बाद में तुम्हारे सारे लोन चुकता हो जाएंगे ये लफ्ज़ बोला था उन्होंने, तो आप बहुत चार्ज करोगे जब ना ये गाना रिलीज़ हो जाएगा, और वो हुआ। तो जो भी उन्होंने कहा वो एक्चुअली वो क्या है ना, अल्लाह वाले बंदे हैं तो ज़बान से उनकी जो भी बात निकलती है वो सच हो जाती है। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास अब तो, तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास अब तो, तू आ जा पास पास है गुजारिश। कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राहों पे, ये 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 तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। जावेद स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक व्हेन ही वाज स्टिल अ चाइल्ड। His first guru was his father, Ustad Hamid Hussain, a renowned Qawwali singer. कि वो सुर जब वो प्रैक्टिस के लिए बैठते थे तो मुझे फिर साथ में बैठा देते थे, तो सा लगवाते थे, सा सरगम कहलवाते थे, फिर मैं ऊपर जाके जैसे मैं ऊपर सुर लगाता था तो ऊपर मैं थोड़ा नेजल गाता था उस वक्त बचपन में, तो मुझे हमेशा कहते थे नहीं नेजल नहीं गाने का, नेजल नहीं गाने गाते, ऊपर नाक नहीं यूज़ करते, ऊपर खुल के आवाज़ लगाते। तो इस तरह से मेरे अब्बा ने मेरी पहली शुरुआत की, वो मेरे पहले उस्ताद हैं और उन्होंने मुझे पहला सा लगाना सिखाया। उसके बाद में उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जावेद को ये बहुत सारे शोज़ करे, पैसा कमाए, ये थॉट था ही नहीं मेरे डैडी का उनका थॉट यही था कि जावेद अच्छा सीखे, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करे और अच्छे लोगों से उसको सीखने को मिले। गुलाम अली, द गजल माइस्ट्रो फ्रॉम पाकिस्तान, एक्सेप्टेड जावेद एज वन ऑफ हिज डिसिपल्स। एज अ ट्रिब्यूट टू हिज गुरु गुलाम अली, जावेद चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम जावेद हुसैन टू जावेद अली। मैं उनकी गजलें बड़ा दिल से सुनता था। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे डैडी घर पे आए और घर मुझे तैयार किया और मुझे कहा कि तुझे पता है मैं किसको मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ? मैंने कहा नहीं तो मुझे नहीं पता। बोले गुलाम अली खान साहब को मिलने के लिए जा रहे हैं हम लोग।
तो मैं तो ऐसा हो गया, मैंने कहा ये क्या मिल गया मुझे, पता नहीं जन्नत मिल गई। तो मैं तैयार होके फिर वहाँ गया और फिर वहाँ पे उनसे मिलने का मुझे मौका मिला और उन्होंने मुझे सुना और बहुत दुआएं दी और मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे याद है कि ये बच्चा जो गायकी गा रहा है अभी, ये 40 साल आगे की गायकी गा रहा है अपने टाइम से। जो लोग 40-40 साल रियाज करके ये गले में उतारते हैं, वो ये अभी से गा रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मिला और फिर मेरे डैडी ने बोला कि भाई, फिर अगेन मेरे डैडी ने सोचा कि यार यहाँ से भी कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ, मतलब आपका शागिर्द हो जाए वो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, तो कैसे होगा। तो मैंने कहा जी, मेरे डैडी ने कहा कि जी नहीं, बस आप अपना इसके सर पे हाथ रख दीजिए, बस वही काफ़ी है। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से मुझे शागिर्द करा, मुझे गंडा बांधा और इस दरमियान उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलते चलते काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई हैं, आकार कैसे करना चाहिए, आलाप कैसे, मुँह कैसे खोलना चाहिए, या फिर अल्फाजों की अदायगी कैसे होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, या फिर तान कैसे लेनी चाहिए, तो ये बेसिक चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाई हैं। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला है। आई थिंक पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो मेरे माँ बाप का, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा मेरे पीछे हाथ है और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब भी मैं दिल्ली आया, मुंबई रहा, बहुत सारी मुशक्क़तें उठाई, पूरी दुनिया को पता है कि मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों के से मिला, बहुत एक्सपीरियंस लिया, रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सपीरियंस लिया, डेमो गाने का एक्सपीरियंस लिया, फिर माइक पे किस तरह से गाते हैं, कैसे खड़े होते हैं, हर सिंगर्स को मैं ऑब्ज़र्व करता रहता था कि वो कैसे गाना सीखते हैं, या किस तरह से माइक पे वो थ्रो करते हैं वॉइस को, या ऊपर कैसे गाते हैं, या नीचे कैसे गाते हैं, या ना एक्सप्रेशंस कैसे लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सीखने को मिली। Yuvraj, directed by Subhash Ghai, had lyrics by Gulzar. Music was its USP. Its song, Tu Muskura, is rated among the best for both its singers, Alka Yagnik and Javed Ali. मुझे इस गाने के दरमियान ना, जब मुझे बुलाया गया तो मैं, सुभाष जी वहाँ बैठे हुए थे, तो सुभाष जी ने मुझे बताया कि ऐसा एक कैरेक्टर है, तो उसमें क्या है ना, वो सरगम गाता है, अलाप गाता है और बहुत टैलेंटेड है, उसको पता नहीं उसके अंदर क्या टैलेंट है। तो मुझे ऐसा फील चाहिए कि ना, लड़की गा रही है जो अलका जी ने गाया था पार्ट, और उसके बीच बीच में आप सरगम गा रहे हो, तो आप कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करो। तो ये जो सरगम वगैरह जो इस गाने में थी, जैसे मुस्कुरा जहाँ भी है तो मुस्कुरा, तो ये सारी चीज़ें ना, मैं उस वक्त ना मैंने कहा यार ऐसा कुछ पागलपन जैसा कुछ होना चाहिए कि भाई वो पता नहीं मस्ती में गा रहा है बंदा। तो वो ये जो डिज़ाइन किया गया था, ये हमने वहीं ऑन द स्पॉट वहीं पे बैठ के किया था। ऑफ कोर्स रहमान साहब ने करवाया था और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गाई थी इस गाने के दरमियान, बट रहमान सर ने जो बेस्ट चीज़ें थी वो ही इस गाने में यूज़ की। हमने वेरिएशंस के तौर पर बहुत सारा कुछ किया था, लेकिन क्योंकि रहमान साहब एक आर्टिस्ट का जो पर्सनल इनपुट होता है उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ऐसा बहुत सारे गानों में हुआ है, गजनी में भी हुआ है, तुम तक में भी हुआ है, अर्जियां में भी हुआ है, कुन फाया कुन में भी हुआ है। तो ये सारे इनपुट्स मैंने अपने उस गाने में दिए और उन्होंने जो बेस्ट रखा वो आप सुनते हैं। All the three lead characters in Yuvraj were musicians, and the fact that Katrina Kaif's character
was a cello player, it dictated the tone and arrangements of songs and films' background music. हमारे दिल को ये यकीन रहता है, रखीन, of course, अभी रहता ही है, of course. हमको ये पता होता है कि हम जो भी गा रहे हैं, वो जब मिक्स होके और मास्टर होके बाहर आएगा तो वो बहुत अच्छा ही सुनाई देगा. ये दिल में एक कॉन्फिडेंस है रहमान, जो जब हम रिकॉर्ड करते हैं रहमान साहब के लिए. तो जब ये गाना पूरा अरेंजमेंट के बाद में सुना तो मैंने कहा यार ये क्या अरेंजमेंट है, और इतना हैवी ऑर्केस्ट्रा उन्होंने यूज़ किया है इस गाने के अंदर, वो अपने आप में एक बहुत ग्रैंड लगता है. तो इस फिल्म के ज़रिए एक नया मैंने क्लासिकल और वेस्ट का जो कॉम्बो उन्होंने साथ में पेश किया वो बहुत ही कमाल था. और ऑर्केस्ट्रा बहुत यूज़ किया उन्होंने इस फिल्म में, क्योंकि ना सिचुएशन थोड़ा म्यूज़िकल थी, क्योंकि अनिल कपूर जी का कैरेक्टर थोड़ा म्यूज़िकल था, तो उसमें काफ़ी चीज़ें म्यूज़िकली उन्होंने बहुत ऐड ऑन की. वेस्टर्न कुछ गाने थे वो इतना ब्यूटीफुल उन्होंने बनाया. ऑफ कोर्स रहमान साहब तो रहमान सर ही हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए वो बहुत ही कम है. Each song that Javed Ali sang for Rehman became a musical milestone. To talk about few more of them, Javed Ali will continue with us in our next episode. Stay with us. Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.